पास टीचर्स अपनी मांगों को लेकर टेलीकॉम टावर पर चढ़ गए। बता दें कि पुलिस प्रशासन लगातार टीचर को उतारने की कोशिश में लगा है, लेकिन ईटीटी टीचर जिद पर अड़ा हुआ है। जब तक उसकी मांगे नहीं मानी जाती वो नीचे नहीं उतरेगा। बता दें कि ईटीटी टेट पास 180 टीचर्स की नियुक्ति 45,000 मासिक वेतन पर की गई थी, लेकिन अब इनका प्रोविजन पीरियड बढ़ाया गया है, जिसके बाद इनका मासिक वेतन 25,000 रूपये कर दिया गया है। लंबे समय से ईटीटी टीचर्स अपने वेतन को लेकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मांगे नहीं माने जाने से नाखुश एक टीचर अब टावर पर चढ़ गया है। ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 4 स्थित एमएलए हॉस्टल की, जहां पर टेलीकॉम टावर पर ईटीटी अध्यापक जो है तकरीबन 5 घंटे से ईटीटी अध्यापक जो है वो ईटीटी टेलीकॉम टावर पर चढ़ा हुआ है और लगातार प्रशासन द्वारा उसको नीचे उतारने की जद्दोजहद जो है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हो तस्वीरों में क्रेन द्वारा लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि ईटीटी अध्यापक, पंजाब के ईटीटी अध्यापक जो है वो किसी तरह से समझा बुझा कर टेलीकॉम टावर से नीचे लाया जा सके। ये तमाम यहाँ पे आप हालात देख सकते हैं किस तरीके के बने हुए हैं। आपको बता दें कि पंजाब के 180 ईटीटी टेट पास अध्यापक जो है वो बीते काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि पंजाब सरकार जो है वो इनकी लंबित पड़ी मांगों को नहीं मान रही। हालांकि ये बात भी निकलकर सामने आई है कि ये ईटीटी अध्यापक जो है वो बादल की सरकार यानी कि प्रकाश सिंह बादल की सरकार में इन अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी और ये नियुक्ति जो है वो 40,000 मेहनताना पर की गई थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार आती है तो कांग्रेस सरकार के आने के बाद इनका आमदनी जो है वो 40,000 से 25,000 की जाती है, जिसके एवज में आकर रोष प्रदर्शन जो है वो पिछले काफी लंबे समय से ईटीटी अध्यापकों द्वारा किया जा रहा है। और अब ये हालात जो है यहाँ पे बने हुए हैं, आप देख सकते हो तस्वीरों में, बीते लगभग 5.5 घंटों से ईटीटी इकलौते ईटीटी अध्यापक जो है वो टेलीकॉम टावर पर चढ़े हुए हैं और लगातार रोष प्रदर्शन जो है वो सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। और इसके ठीक ऑपोजिट अगर आपको मैं दिखाना चाहूंगा तो इसके ठीक ऑपोजिट जो है वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का घर है, आप देख सकते हो तस्वीरों में। और यहाँ पे ठीक उसके सामने जो है वो ईटीटी अध्यापक जो है वो टेलीकॉम टावर पर चढ़े हुए हैं। ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 4 स्थित पंजाब के एमएलए हॉस्टल की। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरह से समझा बुझाकर जो है वो ईटीटी अध्यापक को नीचे उतारा जा सके। ये तस्वीरें हैं पंजाब के एमएलए हॉस्टल की, जहां पर टेलीकॉम टावर पर ईटीटी अध्यापक जो है वो चढ़ा हुआ है और लगभग बीते 5.5 घंटों से वो टावर के ऊपर हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो मांगे हैं, जो उनका मेहनताना है, उसको जो है एक बार फिर से जारी किया जाए। जो 40,000 रुपयों तक का था उसे 25,000 किया गया, उस मेहनताना को बढ़ाया जाए। तो ये कुछ हालात जो है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 4 स्थित एमएलए हॉस्टल पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ईटीटी अध्यापक के पास पहुंचा जाए और उन्हें समझा बुझाकर जो है वो नीचे लाया जा सके। तो ये कुछ तस्वीरें हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 4 स्थित एमएलए हॉस्टल की। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ।